हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक श्रीलंका शासन पे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, नीति निर्माण में निरंतर विफलताएं और श्रम श्रीलंका के शासन संकट के केंद्र में है। टिप्पणी, श्रीलंका के आर्थिक संकट में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बेहद अहम भूमिका मानी जा रही है। श्रीलंका ने 1978 में राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाई, तभी से यह विवादों में है। श्रीलंका भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। संकट इतना गहरा है कि वहां पेट्रोल डीजल का भंडारण खत्म हो गया है, जिससे बिजली का उत्पादन बंद हो गया है। सरकार के पास ज़रूरी चीज़ों के आयात के लिए पैसे नहीं बचे हैं। देश में ज़रूरी चीज़ें खाद्य पदार्थों से लेकर दवाओं तक के दाम आसमान छू रहे हैं। ज़रूरी चीज़ें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। वाहन, बिजली संयंत्र, अस्पताल, स्कूल, बाजार, सब कुछ धीरे धीरे सब ठप हो रहा है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की भूमिका, श्रीलंका के आर्थिक संकट में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बेहद अहम भूमिका मानी जा रही है। श्रीलंका ने 1978 में राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाई, तभी से यह विवादों में है। खास तौर पर सत्ताधारी दल द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और मनमाने फैसलों के कारण राष्ट्रपति के शासन तंत्र पर नियंत्रण का कोई इंतजाम नहीं है। जो था उसे भी राष्ट्रपति को कानून से ऊपर मानने वाले कानूनी प्रावधान के जरिए निष्प्रभावी कर दिया गया। सत्ताधारी दल के साथ सांसदों का भ्रष्टाचार, श्रीलंका की संसद के सदस्य राष्ट्रपति और उनकी नीतियों का आमतौर पर किसी तरह से प्रतिरोध नहीं करते। बताया जाता है कि बदले में उन्हें राष्ट्रपति शासन से शराब, रेत खनन आदि के लाइसेंस वगैरह मामूली दामों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन लाइसेंसों के जरिए या तो सांसद कुछ कारोबारी बन बैठते हैं, या फिर उन्हें ऊँचे दामों पर किसी कंपनी को बेचकर अपने बैंक खातों में बड़ी रकम जमा करते हैं। इस तरह दो तरफा भ्रष्टाचार जारी रहता है। संशय कि देश इस संकट से बाहर आ पाएगा या नहीं। श्रीलंका गार्जियन अखबार के मुताबिक, देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मदद ली जा रही है। आर्थिक सहयोग पैकेज लाने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीन से भी मदद मांगी जा रही है। हालांकि जानकारों की माने तो यह पूरा मिलेगा तो कर्ज की शक्ल में ही, उसे श्रीलंका को देर सवेर चुकाना होगा। ऐसे में जब सरकार आर्थिक नीतियों और तंत्र को दुरुस्त नहीं करती, इस पर संशय बना रहेगा कि श्रीलंका आर्थिक संकट से बाहर आ पाएगा या नहीं। अतः यह कहा जा सकता है कि नीति निर्माण में निरंतर विफलताएं और श्रम श्रीलंका के शासन संकट के केंद्र में है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।